जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी। आज हम बनाएंगे रगड़ा चाट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रगड़ा बनाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर एक कप सफ़ेद मटर लिए हैं। ये आपको किसी भी किराने की दुकान में आसानी से मिल जाएंगे। तो इन मटर को पानी से अच्छे से धोकर हमने पूरी रात के लिए भिगो दिया था। तो मटर बॉईल करने के लिए हमने इसे प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है और इसी के साथ हम इसमें दो मीडियम साइज़ के आलू ऐड कर देंगे। वैसे आलू ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक टीस्पून नमक। तो हमने यहाँ पर एक कप मटर लिए हैं, तो हम इसे बॉईल करते वक्त दो कप पानी ऐड करेंगे। तो जिस कप से मेज़र करके हमने मटर लिए, उसी से हमें मटर का दुगना पानी इसमें ऐड कर देना है। अब हम प्रेशर कुकर को लीड से कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर दो प्रेशर आने तक इसे बॉईल करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर दो प्रेशर आने तक बॉईल करने के बाद हमने गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसके प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने दिया। फिर हमने इसकी लीड खोल ली और अब हमने यहाँ पर दो टेबलस्पून तेल लिया है। तेल के गर्म होते ही हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून जीरा। जैसे ही जीरा चटकने लगेगा, हमें इसमें ऐड कर देनी है एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज और एक छोटी हरी मिर्च। इस हरी मिर्च को भी हमने बारीक काट लिया है। अभी हमें प्याज का कलर लाइट गोल्डन ना हो जाए तब तक इसे थोड़ा फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से प्याज का कलर जब सुनहरा होने लगेगा तब हमें इसमें ऐड कर देना है एक टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल दूर होने तक हम इसे एक से डेढ़ मिनट के लिए थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल दूर होने तक हमने इसे थोड़ा और फ्राई कर लिया। और स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर और टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसे भी हम फ्राई करेंगे। तीन से चार मिनट तक फ्राई करने के बाद आप देखेंगे कि टमाटर थोड़े सॉफ्ट होने लगे हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चौथाई टीस्पून नमक। नमक ऐड करते वक्त ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने मटर को बॉईल करते वक्त भी नमक ऐड किया है। और इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देनी है एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप रगड़ा कितना स्पाइसी रखना चाहते हैं उस हिसाब से लाल मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर और इसी के साथ ऐड करेंगे एक टी स्पून धनिया पाउडर। अब हमें इसमें आधा कप पानी ऐड करके अच्छे से मिला लेना है और लो फ्लेम पर इन मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से तेल रिलीज ना होने लगे। पाँच से सात मिनट तक भूनने के बाद आप देखेंगे कि मसालों में से तेल रिलीज़ होने लगा है और मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब हमने जो मटर और आलू बॉईल करके रखे हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बॉईल किए हुए मटर और आलू ऐड करने के साथ ही हम इसमें आधा कप पानी ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। क्योंकि हमने इन दोनों चीज़ों को पहले से बॉईल करके रखा हुआ है तो हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस लो फ्लेम पर कुछ देर तक ही हमें इसे पकाना है। तो बस हमने इसे लो फ्लेम पर पाँच मिनट के लिए पका लिया है और इसी के साथ हमारा रगड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे एक टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देना है एक चौथाई टीस्पून गरम मसाला। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब चाट बनाने के लिए हमने जो रगड़ा बनाकर रखा है उसे हमें एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर देना है। और सबसे पहले हमें इसमें ऐड कर देनी है हरे धनिए और पुदीने की चटनी। इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देनी है खट्टी मीठी इमली की चटनी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चाट का दही। हरी चटनी, इमली की चटनी और चाट वाले दही की रेसिपी हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। अगर आपने ये रेसिपी नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। और अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर।
और अब हम इसमें थोड़ी सी हरे धनिए और पुदीने की चटनी और ऐड कर रहे हैं। आपको कौन सी चटनी ज़्यादा पसंद है उस हिसाब से आप चटनी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब हमें इस पर थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर स्प्रिंकल कर देना है। आप यहाँ पर थोड़ा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी बेसन की सेव ऐड कर देंगे। और इस चाट को थोड़ा क्रंची बनाने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी पोटैटो चिप्स ली है। इन पोटैटो चिप्स को हमने हाथों से क्रश कर लिया है। आप पोटैटो चिप्स की जगह पापड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो खाने के लिए तैयार है रगड़ा चाट। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और ऐसी ही स्ट्रीट स्टाइल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।